उत्तर प्रदेश के अमरोहा में महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन कुमार की रिहा होने की खुशी में होली खेलकर अपना जश्न मनाया। महिला मोर्चा के कार्यकर्त्रियों ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अभिनंदन को छोड़ना मजबूरी थी, क्योंकि वह भारत की ताकत को जानता है। मेरा माशु अग्रवाल में प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य महिला मोर्चा की तरफ से आज हमने अभिनंदन के लिए यहाँ पे अपना महिला मोर्चा की तरफ से होली का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है कि एक क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये मोदी ही कुछ ऐसा कर सकते थे। पूरा देश मोदी की तरफ देख रहा था कि मोदी कुछ अलग करने वाले हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही बोल दिया था कि कुछ भारत में नया कुछ होने वाला है। ट्रंप ने ये पहले ही बोल दिया था। उसका नतीजा हमारे माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, और वो कर दिखाया जो अब तक 70 सालों में नहीं हो पाया। ये एक मोदी की सरकार में संभव था कि अभिनंदन हमारे यहाँ बिल्कुल सकुशल हमारे अपने भारत में वापसी लौट रहे हैं। हमारे देश के पायलट हैं, बहुत अच्छे विंग कमांडर हैं, उनका पूरा परिवार इससे सेना से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि अभिनंदन यहाँ पर सकुशल अपने देश में वापसी आ रहे हैं, अपने परिवार के बीच में वापसी आ रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि बिना शर्त पाकिस्तान ने उसको रिहा किया। आज अभिनंदन को जो पाकिस्तान ने छोड़ा है वो एक भारत के और देशों के भी दबाव में आकर के छोड़ा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो अभिनंदन को किसी वजह से वहाँ पे मार देते तो आज अभिनंदन जैसे हजारों अभिनंदन वहाँ पे पहुँच जाते, इस डर से उन्होंने अभिनंदन को छोड़ा। तो आपने होली मनाई, क्यों मनाई? हमने उनके रिहा होने और अपने भारत में वापस आने की खुशी में हम सब बहनों ने मिलकर के खुशी मनाई। मैं सीमा राजादा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे से जिला महामंत्री हूँ। आज हमें इतनी महिला मोर्चे की सारी बहनें हमारे साथ हैं, हमें इतना हर्ष है, इतनी खुशी मना रहे हैं। हम अभिनंदन का अभिनंदन कर रहे हैं आज हम, क्योंकि हम इस उसमें कि पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे दबाव में आके, लेकिन पाकिस्तान को पहले उनके प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मोदी से बात करने की 2-3 बार कोशिश करी, बहुत शर्त रखना चाहते थे ना, लेकिन उन्हें भारत के ताकत का एहसास था। इस चक्कर में मोदी जी ने बात ना करी हमारी और उन्हें छोड़ना पड़ा, वो डरा पड़ा है। अगर एक अभिनंदन को वो ख़त्म करते तो हमारे 10 अभिनंदन भारत में वहाँ पाकिस्तान में अंदर घुसकर और पहुँच जाते। आज हमें इतनी खुशी, इतना हर्ष है कि सारी बहनें हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक साथ जुट होकर होली मना रहे हैं। हम एक महीना पहले से अभिनंदन जिंदाबाद, अभिनंदन जिंदाबाद।